लोकसभा चुनाव का महापर्व शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के पहले चरण में यूपी और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में 2019 के मुकाबले कम फीसदी मतदान हुआ। यूपी की बात की जाए तो सहारनपुर में सबसे ज्यादा 66.65% वोटिंग हुई है। रामपुर में सबसे कम 55.75% मतदान हुआ। पहले चरण की बात की जाए यूपी की 8 सीटों को लेकर तो साल 2019 के मुकाबले तकरीबन 5.9% वोट कम पड़े हैं। सवाल है कि साल 2019 में कितना अलग ट्रेंड इस बार देखने को मिला है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीट के लिए वोटिंग हुई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 60.59% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 66.65% मतदान सहारनपुर में हुआ, जबकि रामपुर में 55.75% मतदान के साथ सबसे पीछे रहा। साल 2019 के मुकाबले पहले चरण की इन सीटों पर करीब 5.9% कम वोट पड़े हैं। फिलहाल तो चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत गिरने से सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 8 सीटों पर 60.25% मतदान हुआ है। इस दौरान सहारनपुर में सर्वाधिक और रामपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। अगर बात 2019 की करें तो 2019 की अपेक्षा 2024 में करीब 6.2% कम मतदान हुआ है, जिसको लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और यही कारण है कि अब न सिर्फ इन सीटों से जुड़े कई दिग्गज उम्मीदवारों बल्कि उनसे जुड़ी सियासी दलों की भी धड़कनें तेज हो गई हैं। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर 2019 और 2024 के आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 में कुल वोटिंग 66.15%, 2024 में कुल वोटिंग 60.25%, 2019 में सहारनपुर में 70.83% मतदान हुआ, जबकि 2024 में 65.14% मतदान हुआ। 2019 में कैराना में 67.44% वोटिंग हुई, जबकि 2024 में 61.17% वोटिंग हुई। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 2019 में 68.32%, जबकि 2024 में 59.29% मतदान हुआ। बिजनौर में 2019 में 66.15% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में 58.21% मतदान हुआ। 2019 में नगीना में 63.64% मतदान हुआ, जबकि 2024 में 59.54% मतदान हुआ। मुरादाबाद की बात करें तो 2019 में 65.45% वोटिंग हुई थी, जबकि 2024 में 60.60% वोटिंग हुई। रामपुर में 63.17% वोटिंग हुई थी, जबकि 2024 में 54.77% वोटिंग हुई है। वहीं अगर पीलीभीत की बात करें तो 2019 में 67.37% मतदान हुआ था, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 61.95% हो गया। यानी कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में सहारनपुर सीट पर सबसे ज्यादा 65.95% और रामपुर सीट पर सबसे कम 54.77% वोटिंग हुई थी। 2019 में इन सीटों में से सहारनपुर में सबसे ज्यादा 70.83% और रामपुर में सबसे कम 63.17% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में इन 8 सीटों में 3 पर बीजेपी और 3 पर बीएसपी और 2 पर एसपी को जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से समीकरण बिल्कुल अलग थे। 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, जबकि बहुजन समाज पार्टी को भी 3 लोकसभा सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग सा है, क्योंकि इस बार आरएलडी का गठबंधन सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पिछले बार के चुनाव में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ में थी। तो ऐसे में बिला शक शुबहा 2024 का लोकसभा चुनाव अलग नतीजे लेकर आने वाला है। वहीं पहले चरण में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर हुए मतदान की बात करें तो हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा 62.36% और अल्मोड़ा सीट पर सबसे कम 46.94% वोटिंग हुई।
2019 में इन सीटों में से हरिद्वार में सबसे ज्यादा 69.18% और अल्मोड़ा में सबसे कम 52.31% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में सभी 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। उत्तराखंड में शुक्रवार को लोकसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई। पूरे राज्य में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 55.89% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग हरिद्वार लोकसभा सीट पर हुई, जहां 62.36% मतदान रहा। इसके अलावा सबसे कम वोटिंग अल्मोड़ा में हुई, जहां पर 46.94% वोट लोगों ने किया। वहीं अगर बात की जाए 2019 की, तो उत्तराखंड में 61.5% वोटिंग हुई थी, जबकि 2014 में 62.15% वोटिंग पूरे राज्य में हुई। यूपी उत्तराखंड में हुई कम वोटिंग को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लोगों में इस बार वोटिंग को लेकर पहले की तरह उत्साह देखने को नहीं मिला। 2019 के मुकाबले इस बार समीकरण भी बदले हुए हैं, क्योंकि साल 2019 में एसपी और बीएसपी ने 7 चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार दोनों की राहें जुदा है। इस बार आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र में समीकरण काफी हद तक बदले हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।